दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, या फिर ऐसे कहते हैं कि मेरा तो लकी खराब है, या मैं लकी नहीं हूँ, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। जब आप इनकी लाइफ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी लाइफ में इन्हें वही मिलता है जो ये अफर्म करते हैं। यह सब अम्ब्रेला अफर्मेशन ही होता है, यह एक नेगेटिव अम्ब्रेला अफर्मेशन है। क्या आपके पास भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अफर्मेशन यूज़ करना चाहिए? वीडियो में अंत तक बने रहिए, आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रवर्स में, जहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं और नई नई टेक्निक सीखते हैं। गाइस, आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने के पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूं। व्हाट इज अम्ब्रेला अफर्मेशन? यदि आप अम्ब्रेला को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे अलग अलग तीलियां एक ही स्टील के रॉड के सहारे जुड़ी होती हैं, जो कि अम्ब्रेला को एक साथ रखती हैं। अम्ब्रेला अफर्मेशन एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बदलाव लाते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। यदि आप अपनी लाइफ में कार चाहते हैं, एक घर चाहते हैं, अच्छी और परमानेंट जॉब चाहते हैं, इन सभी के लिए अलग अलग अफर्मेशन बोलने से अच्छा है कि आप एक कॉमन अफर्मेशन बनाएं, जैसे कि मैं एक रिच लाइफ जी रहा हूं, या मैं एक समृद्ध जीवन जी रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में, फैमिली में, लव लाइफ में, आप एक कॉमन अफर्मेशन बना सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, या फिर इजंट इट वंडरफुल दैट एवरीथिंग ग्रेट इज हैपनिंग विद मी। गाइज, इजंट इट वंडरफुल के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसे आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इजंट इट वंडरफुल अफर्मेशन सुनना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर अम्ब्रेला अफर्मेशन एंड ब्लैंकेट अफर्मेशन द सेम? ब्लैंकेट अफर्मेशन और अम्ब्रेला अफर्मेशन दोनों एक ही होते हैं। जिस तरह एक अम्ब्रेला अफर्मेशन से हम अपनी सारी डिजायर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से एक ब्लैंकेट अफर्मेशन से हम अपनी सारी डिजायर आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। When should we affirm अम्ब्रेला अफर्मेशन? दोस्तों, अफर्मेशन करने का बेस्ट टाइम तो सुबह उठने के बाद और रात में सोने के ठीक पहले का होता है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आपको दिन में जब भी टाइम मिले तब आपको अफर्म करना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा बार अफर्म करेंगे उतनी जल्दी ही ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करेगा। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आप जो भी अफर्म करें उसे फील करें। यदि आप अफर्म करते हैं कि आपके साथ सब कुछ बेहतरीन हो रहा है तो उसे फील करें और वैसी ही एनर्जी यूनिवर्स को भेजें, आपके साथ चमत्कार होंगे। मैं खुद ये टेक्निक ट्राई करता हूं और मेरे रिजल्ट बहुत कमाल के होते हैं। यदि आपको अफर्मेशन से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आपको चैनल पर अफर्मेशन से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। एक बार आप उसे ज़रूर देखें। What is more beneficial, umbrella affirmation or specific affirmation? दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि स्पेसिफिक अफर्मेशन और अम्ब्रेला अफर्मेशन में कौन सा अफर्मेशन ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। यदि मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अफर्म करता हूँ तो मेरा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है या उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है। वहीं जब मैं अम्ब्रेला अफर्मेशन को यूज़ करता हूँ तो वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो कि मेरा माइंड ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। करेंटली मैं एक अम्ब्रेला अफर्मेशन यूज़ करता हूँ जिसका फ़ायदा भी मुझे दिख रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरे साथ सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, मैं इसे बोलता भी हूँ और अक्सर इसे लिखता भी हूँ। यदि आप चाहें तो आप भी इस अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ हफ्तों में ही फ़ायदा देखने को मिलने लगेगा। एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला अफर्मेशन एंड हाउ टू क्रिएट देम। दोस्तों, मैं कुछ अम्ब्रेला अफर्मेशन के एग्जाम्पल्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कोई भी एक अफर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अफर्मेशन बनाना सीखना है तो अफर्मेशन से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उससे हेल्प होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।